नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी स्टेट कुंगफू चैंपियनशिप का आगाज हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश के 22 जिलों से आए खिलाड़ियों ने कुंगफू की विभिन्न कलाओं का अत्यंत रोमांचक प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन को देखकर वहां बैठा हर शख्स दंग रह गया। इस दौरान वहां कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंगलवार को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यूपी कुंफू एसोसिएशन के सचिव ज्ञान प्रकाश, महासचिव भारतीय कुंफू संघ मंजू त्रिपाठी, भारतीय कुंफू संघ के उपाध्यक्ष चंदसेन वर्मा और मुख्य अतिथि कमलकांत गौतम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चंदसेन वर्मा ने कमलकांत गौतम को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद कमलकांत गौतम ने प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश के 22 जिलों से आए खिलाड़ियों ने कुंगफू की विभिन्न कलाओं का अत्यंत रोमांचक प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन को देखकर वहां बैठा हर कोई शख्स दंग रह गया। इस मौके पर बोलते हुए भारतीय कुंगफू संघ के उपाध्यक्ष चंदसेन वर्मा ने कहा कि हम सभी यहां 22 जिलों से इकट्ठे हुए हैं। 22 जिलों से लगभग 200 बच्चे आए हुए हैं जो कुंगफू की कला का प्रदर्शन करेंगे, और ये आज सिर्फ हारजीत का एक मौका नहीं है। जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं कई लोग, तो किसी का दिन अच्छा होता है। प्रतियोगिता में कोई जीतता है, कोई हारता है। मैं सभी बच्चों को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि एक दूसरे से सीखें, क्योंकि जब अलग अलग विधा के लोग जमा होते हैं तो दूसरे से बहुत सीखने का मौका मिलता है और समझने का मौका मिलता है। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। वहीं मुख्य अतिथि कमलकांत गौतम ने कहा कि इस कला को हमें अपने दैनिक जीवन में लाना चाहिए, ये हम सबके लिए बेहद ज़रूरी। अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में ये अद्भुत खेल है, जिसमें बच्चों को शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक जो इसमें उत्साहवर्धन हो रहा है वह पूरे विश्व में जाना चाहिए, पूरे जगत में जाना चाहिए और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी से जाना चाहिए। मैं अपने बच्चों को, अपने आयोजक गण साथियों की और सारे सहयोग करने वाले साथियों को शुभकामना देता हूं। इस शुभकामना के साथ साथ जो सहयोग, किसी प्रकार का अगर सहयोग की आशा रखते हैं तो मैं सहयोग करूँगा। आज से 13वीं स्टेट कुंगफू चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है। इसमें 22 जिले के बच्चे आए हैं और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। ये खेल धीरे धीरे काफ़ी बड़ा प्रचारित प्रसारित हो रहा है, तो आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं, डॉक्टर चंदसेन जी की भी काफ़ी सक्रियता है, और चीफ गेस्ट पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलाकांत गौतम जी आए हैं और तमाम बच्चे आए हैं। तो एक ये अच्छा मैसेज जा रहा है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, और साथ ही सारे जितने भी बच्चे हैं वो एक अनुशासित नागरिक तैयार होंगे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग इस खेल को जरूर, ये सारे हर लोगों के लिए खेल है, ये महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए, सबके लिए है, और ये फ्रूटफुल है, ये देश का खेल है। तो हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस खेल को कैसे बढ़ाएं और कैसे अपने आम जीवन में इसको आत्मसात करके फिट रहें, स्वस्थ रहें। उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर टीमें आई हुई हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से झांसी, कौशाम्बी, जौनपुर, कानपुर और लखनऊ की टीमें प्रमुख तरह से इसमें प्रतिभागिता करेंगी। मेरा विश्वास है कि यहाँ के खिलाड़ी पूरे प्रदेश के विभिन्न खिलाड़ियों को निश्चित रूप से अच्छी चुनौती देंगे और प्रादेशिक टीम में जगह बनाएंगे। इस प्रतियोगिता का सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि हम भारत की मूल कलागत जो है आत्मरक्षा कुंफू को आप पूरी तरह से प्रमोशन करें, खिलाड़ियों को ग्रास रूट से लेकर के उस लेवल तक ले जाएँ जो कि आज उनकी ज़रूरत है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव उत्तर प्रदेश।